सात बड़े ऑनगोइंग शोज को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो सात ऐसे बड़े शोज हैं जो आने वाले दिनों में बंद किए जा सकते हैं। जी हां, साल 2022 की शुरुआत में जहां एक तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं टीवी शोज पर बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है। आखिर कौन से हैं वो सात बड़े शोज और किन वजहों से ये बंद किए जा सकते हैं, आपको भी बताते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है एकता कपूर के सबसे बड़े शो का, जिसका नाम है बड़े अच्छे लगते हैं 2। जी हाँ, बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक एकता कपूर का पॉपुलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 भी ऑफ एयर हो सकता है। 2011 में आए शो का पहला सीजन तो सुपरहिट रहा था, लेकिन अब इसका पार्ट 2 आया तो इसे ऑडियंस का ज्यादा प्यार मिलता नजर नहीं आ रहा है। अगस्त 2021 में शुरू हुए इस शो में कहीं ना कहीं रामप्रिया की जोड़ी का जादू ऑडियंस को लुभा पाने में नाकाम रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले शो के स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर ने इस तरह की खबरों से इनकार किया था। उनका कहना था कि शो को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से इसकी टीआरपी लगातार लुढ़क रही है, उससे शो पर बंद होने का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। 13 मेरा साथ रहे। स्टार भारत पर आने वाला जिया मानिक का शो 13 मेरा साथ रहे को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि ये शो भी अगले कुछ हफ्तों में बंद किया जा सकता है। हालांकि जिया मानिक और शो के बाकी के स्टार्स शो के ऑफर होने की खबर को लगातार गलत बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शो को टीआरपी में रेटिंग्स मिल रही है, उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि ये शो भी रेड जोन में है। चीकू की मम्मी दूर की। परिधि शर्मा और वैष्णवी प्रजापति स्टारर ये शो भी बंद होने की कगार तक पहुंच गया था। हालांकि एन मौके पर शो को कुछ वक्त के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि अब भी शो की टीआरपी में कुछ इजाफा तो नजर नहीं आ रहा और खबरें हैं कि ये शो अगले महीने ऑफ एयर किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस लिस्ट में जी टीवी का शो अगर तुम ना होते, शरद मल्होत्रा स्टारर शो विद्रोही, कलर्स का नीमा डिंगजोंगपा, शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज भी अपनी लो टीआरपी की वजह से इस साल ऑफ एयर हो सकते हैं। ये सब 2021 में ही दमदार कहानी के साथ आए थे, लेकिन रेटिंग्स लिस्ट में काफी पिछड़ चुके हैं और इसी वजह से इन सात शोज पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि इन सातों शोज को कुछ वक्त की मोहलत दी गई है और अगर आने वाले हफ्तों में इन शोज की टीआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और ये अंडर स्कैनर ही रहते हैं, तो शो को बंद करने को लेकर चैनल जल्द ही फैसला सुना सकते हैं। अब क्योंकि कई बड़े और नए शोज भी कतार में लगे हैं जिन्हें टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में मुमकिन है कि लो टीआरपी और नए शो को लाने के लिए चैनल्स जल्द ही कोई फैसला सुना सकते हैं।